नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्वाइन मिल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपए के इस सिक्के के बारे में। दोस्तों, ये सिक्का है महात्मा बसवेश्वर जी वाला ये सिक्का। दोस्तों, क्या यह सिक्का रेयर है? अगर है तो इसकी कितनी मार्केट वैल्यू है इस समय? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई रेयर सिक्के या नोट हैं और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आपके पास जो भी रेयर सिक्के और नोट मौजूद हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 रुपए का ये सिक्का जारी हुआ था 2006 में, और ये सिक्का दो वेराइटीज में जारी हुआ था। एक वेराइटी थी कॉपर व निकल की और दूसरी वेराइटी थी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाली। कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के में यही अंतर है कि इसका वजन जो है वो कॉपर निकल वाले सिक्के से 3 ग्राम अधिक वजन का है। कॉपर निकल वाला सिक्का 9 ग्राम का है, जबकि स्टेनलेस स्टील से बना सिक्का केवल 6 ग्राम का ही है। और ये दोनों प्रकार के ही सिक्के बॉम्बे की मिंट से जारी किए गए थे, और इसकी पहचान आप सिक्के पर बने डायमंड मिंट मार्क से कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने इस सिक्के की कीमत जो है वो कई हजार तक बताई है, पर दोस्तों ये सिक्के कॉमन कैटेगरी वाले सिक्के हैं और ये रेयर सिक्के की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते। ये सिक्के प्रूफ सेट्स में भी जारी किए गए थे, जिनमें थे 100 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, और ये सिक्के जरूर आप रेयर सिक्कों की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में। बात करें कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील वाले सिक्कों की कीमत के बारे में, तो इनकी जो कीमत है वो है 15 रुपए से 30 रुपए के बीच में, और इसकी कीमत जो है वो डिपेंड करेगी आपके सिक्के की कंडीशन के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी रेयर सिक्के और नोट मौजूद हैं और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com, जहां पर आप फ्री में अपने नोटों और सिक्कों के एड्स पोस्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट 100% फ्री है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।